Hey guys, welcome back to our channel Rugima. So guys, हम आज करने वाले हैं बेसिक मेकअप। ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, आप लोग इतनी बार हम लोगों से पूछ चुके हो कि हमारा बेसिक डे मेकअप क्या होता है या जो हम नॉर्मल जब डेली मेकअप करते हैं अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए, तो आज हम फाइनली आपको दिखाने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम दोनों ने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद सबसे पहले मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का, और मैं यूज कर रही हूँ शुगर। प्राइमर लगा लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ वो है फाउंडेशन, और मैं यूज करती हूँ सिफोरा की फाउंडेशन जो मेरी खत्म हो गई और लॉकडाउन में मुझे बिल भी नहीं देंगे। मैं पहले प्रेफर करती हूँ कंसील करना अपने डार्क सर्कल्स और जो भी थोड़े डार्कर मैं बहुत मोटी लेयर फाउंडेशन की नहीं लगाती हूँ, बहुत पतली सी लेयर बेसिक मेकअप के लिए ठीक रहती है, बहुत हाई कवरेज की जरूरत नहीं होती है मुझे भी। एंड प्लस मैं यूजुअली हाथ ही प्रेफर करती हूँ, बट आज मैं ब्रश से कर रही हूँ। तो मैंने अभी अपना फेवरेट कंसीलर यूज़ कर लिया है, और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट फाउंडेशन पे। शुगर की स्टिक फाउंडेशन बहुत बेस्ट लगती है और मेरे को ये इजी लगता है यूज़ करना, और मैं इसको ब्लेंड करती हूँ बहुत फटाफट। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, यूजली लगाती हूँ आईज के नीचे। डन ब्लेंडिंग क्ली सेटिंग पाउडर, ये मैंने कंसीलर लगा लिया है, अब मैं इसको करने वाली हूँ सेट। मैं यूजुअली थोड़ा सा सेटिंग पाउडर अपने आईज के नीचे और इस एरिया में लगा के छोड़ देती हूँ बेकिंग के लिए, थोड़ी बेकिंग हो जाती है मुझे अच्छा लगता है। और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ सिफोरा का सेटिंग पाउडर, वो मुझे बेस्ट लगता है। अब मैं थोड़ी कॉन्टूरिंग मैंने अपना बेस कर लिया है, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना आई मेकअप, जो कि एक बहुत ही बेसिक न्यूड सा मेकअप मैं रोज करती हूँ, और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ अपनी ये पैलेट, इसका नाम भी मुझे नहीं किचिवुड हाउस का था, ये मैंने सिंगापुर से लिया था, सोचिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरा फेवरेट पैलेट थी। और 10 बार इसने इसको गिराया है, ये कलर्स जो भी यहाँ से निकले हुए हैं ये गिर के टूटा है, ये मैंने ख़त्म नहीं किया। सो मैंने बेसिक चीज़ करने, मैं आई शेडो लगाती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी मैं स्किप कर दूँ, बट मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा लाइट शेड दे देती हूँ इसमें। डार्कर शेड्स में अपनी क्रीज डिफाइन कर रही हूँ, और उसके बाद लिप्स पे मैं हल्का हल्का गोल्डन कोई भी शिमर कलर हल्का सा लगा देती हूँ। मेरा आई शेड डन, मैं इतने लाइट प्रेफर करती हूँ। अब मैं जाऊँगी अपनी ब्रोज जो मुझे बहुत टफ लगती है, पहले मैं थोड़ा कॉम करती हूँ। गाइस, मैंने अभी लाइक हाफ अपना आई मेकअप कर लिया है, अब मैं कॉन्ट्रोलिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं फर्स्ट अपने नोज कॉन्ट्रोल कर रही हूँ बहुत मोटे से ब्रश से। नोज कॉन्ट्रोल करने के बाद अब मैं अपना फेस कॉन्ट्रोल करने वाली हूँ। आईब्रोज में गाइस मुझे लिटरली बहुत टाइम लगता है, मेरा सारा मेकअप अलग और जितना टाइम लेती है मेरी आईब्रोज वो अलग। मैंने कॉन्टूर कर लिया है, अब मैं फिर से थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लेके अपने पूरे फेस को सेट करने वाली हूँ, जो मैंने बेकिंग के लिए छोड़ा था मैं उसको भी अब मर्ज करने वाली हूँ।
सो यस, मेरी आईब्रोज डन है। अब मैं जाऊंगी काजल, मस्कारा, ब्लश, हल्का सा हाइलाइटर, लिपस्टिक और डन। मुझे मेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, बेसिक मेकअप में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, गरिमा थोड़ा जल्दी कर लेती है। सो गरिमा ने कहा तक कर लिया, ऑलमोस्ट डन है, वो मेरा वेट करने वाली है। उसको खत्म हो जाएगा मैं बैठी रहूँगी। ओके सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी ब्रोज, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैं मेरी, जैसे लोग बहुत परेशान होते हैं। आई गेस हर लड़की की प्रॉब्लम है ब्रोज और विंग लाइनर्स। विंग लाइनर्स काफी कमेंट्स होते हैं, आप विंग लाइनर नहीं लगाते सीरियस? और जब क्विक मेकअप करना होता तो मैं तो स्किप ही करती हूं। लाइनर्स तो मैं हमेशा स्किप करती हूं, मुझे शादी में भी जाना है ना, तो मेरे को पता है कि मेरे को आधा घंटा लगने वाला है। तो ये ब्रोज कर रही है, तब तक मैं धीरे धीरे काजल लगा रही हूँ। मैं अपर लिड्स, आईलिड्स और लोअर आईलिड्स दोनों पे ही काजल लगाती हूँ। फैशन मिस्टेक सबसे होती है, हम दोनों भी पहले अपने आईब्रोज बहुत डार्क ब्लैक कलर से मुझे याद है डार्क ब्लैक कलर से फिल करते थे। आई डोंट नो शूट पे थे कहाँ पे थे हम, एक मेकअप आर्टिस्ट ने बोला आपने कैसे फिल किया, आप लोग किसी उसके लिए जा रहे हो, रामायण के लिए, मतलब कहते उसमें से आईब्रोज फिल की जाती है। तो मैंने अपनी अपर आईलिड पे ब्लैक काजल लगाया। मैं इसका वेट करती हूँ इसका हो जाए, नहीं तो फिर मेरा मेकअप धीरे धीरे डन होता जाएगा धीरे धीरे। आज ही ऐसा हुआ है मेरा कि मेरी आईब्रोज थोड़ी जल्दी सेट हो गई हूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों ने ही गाइस ये कमेंट करा था कि मेकअप रूटीन दिखाओ, अपना मेकअप रूटीन दिखाओ, बेसिक मेकअप रूटीन, काफ़ी गर्ल्स के टेक्स्ट आते थे। तो यही हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं। मैंने ब्लैक काजल अपर लिड्स पे लगाया है और वाइट आजकल मेरा बहुत फेवरेट हो रखा है, तो वाइट काजल मैं नीचे लगा रही हूँ। ओके गाइस, ब्राउज मेरी हो गई हैं। अब मैं कोई भी हाइलाइटर लेकर अपने नोज और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने वाली हूँ। मैं ऑलमोस्ट डन हूँ। मैं यूजुअली काजल या कुछ भी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं सीधा मस्कारा लगाती हूँ। और तो तीन चीज़ें बची हैं, ब्लश, मस्कारा और लिपस्टिक। ओह मस्कारा, ब्लश। मेरे को अभी तक आइडिया नहीं आपको कितना मस्कारा लगाना होता है, मैं कभी कभी इतना लगा के लाल टमाटर जैसी मस्कारा लगाना होता है, सॉरी ब्लश मैं लाल टमाटर बन जाती हूँ, इसलिए मैं आज तो बहुत कम लगाऊंगी, मुझे लाल टमाटर नहीं बनना। सीधा डिफरेंस अगर आपको दिखाऊं मस्कारा से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा। मस्कारा डन, टाइम फॉर ब्लश एंड हाइलाइटर। छोटा उसको ड्राई होने दो, उसके बाद बहुत इजीली निकल जाता है। ओके तो मैं इसको ड्राई होने छोड़ रही हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट मेकअप डन है और बची है लिपस्टिक। अब सिर्फ लिपस्टिक बची है और मेरा मस्कारा ड्राई होने के बाद मैं वो निकाल दूंगी जो एक्स्ट्रा लगा है। लिपस्टिक डन। आप लोग और एक बेसिक चीज हम यहाँ रखना भूल गए हैं, सेटिंग स्प्रे। गाइस लिपस्टिक मैंने लगा ली है, मैं भी जाके सेटिंग स्प्रे लेकर आई। लास्ट स्टेप यही होता है, इसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं, इसका हम सीधा वीडियोस बनाते हैं, फोटोस क्लिक करते हैं। डन। जी बिल्कुल भी प्रोफेशनल मेकअप नहीं किया, आप लोगों को देख के समझ आ गया होगा कुछ भी किया है हमने, बस सामान लेके और हम लोग कभी बार इस बारे में बहस भी होती है कि तू क्यों पहले ये लगा रही है या पहले क्यों लगा रही है। जैसे मैं पहले प्रेफर करती हूँ कंसीलर लगाना, ये पहले
फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे अपने मुंह पे सामान लगा लो, सामान लगा लो। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है हमारे मेकअप। हाँ, हम लोग को प्रोफेशनल मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, बस ये है कि हम ट्राई कर लेते हैं और बस तैयार हो जाते हैं किसी तरीके से। होप आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। सारी गर्ल्स को जिन्होंने टेक्स्ट किया था वीडियो के लिए, पता चल गया होगा कि हम ऐसे मेकअप करते हैं, ऐसे दिखते हैं आफ्टर मेकअप और विदाउट मेकअप। काफी लोग कह रहे हैं ना विदाउट मेकअप भी आओ। विदाउट मेकअप तो हम पहले भी आए जो हमने ऊपर एक वाली वीडियो शूट की थी, ब्लाइंडफोल्ड मेकअप। आपने नहीं देखी तो जाके अभी वो भी देखो, बहुत फन वीडियो है वो भी। और अब हमने सोचा है कि हम थोड़ा ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं यूट्यूब पर। यस हमें लगता है हमें होना चाहिए। और हम बहुत लेट लेट वीडियोस पोस्ट करते हैं, ये भी हमें कंप्लेंट सुनने को मिलती है, लेकिन कोई नहीं, अब से हम रेगुलर होंगे। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। होपफुली आपको हमारा हार्ड एंड फास्ट मेकअप समझ आया जो हम डेली करते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।